तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और आज शकल से लग रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हाँ गड़बड़ है। 2 दिन से ऐसे मुझे फीवर वीवर जैसा आ रहा है, और अभी ड्यूटी का कॉल आया तो मैं बोला कि नहीं, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, देखते हैं सिक करने बोलते हैं या क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। तो उसके लिए रूल जो है मैं समझाते समझाते जाऊंगा। हाँ पहले हॉस्पिटल जाएगा, उसके बाद उससे पहले लॉबी जाते हैं, सिक मेमो लेते हैं अगर सिक करने बोले तो, और नहीं तो नॉर्मली दवाई लेके आदमी आ सकता है। मेरा ये पूरा गला वाला दर्द कर रहा है और फीवर आ रहा है रुक रुक के, जैसे दो दो तीन तीन घंटे में फीवर आ रहा है और सिर दर्द भी हो रहा है। तो आज कराते हैं तुम लोगों को हॉस्पिटल टूर, और लॉबी का भी थोड़ा सा स्टेशन भी टूर करा देंगे, उधर क्वार्टर वाटर है। तो चलो निकलते हैं, सिक करने का तरीका जो है वो बताते बताते जाएंगे। तो सबसे पहले लॉबी में जाया जाता है सिक मेमो लेने, जहाँ की अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, जा रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है इससे मैं सीखता हूँ मराठी। मराठी में अनाउंसमेंट होता है तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो देखो भाई, मैं ले लिया हूँ सिक मेमो, बहुत छोटा सा मेमो रहता है, और इसको दिखाते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर साहब समझ में आते हैं कि हाँ हमारे जो इंचार्ज है ट्रिपल सिक, वो मतलब कंडीशन समझ के सिक मेमो का ऐसे सिक दिए बोलने के, अगर डॉक्टर साहब देते हैं तो ले लो, नहीं देते हैं तो वापस आ जाओ, फिर ड्यूटी जाओ। तो उस टाइप का कुछ कंडीशन है, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि हाँ मेरा लगा पड़ा है। तो अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल साइड में, देखते हैं सिक दिलवाने वाला हमारा विष्णु जब भी जाते हैं उसको लेके जाते हैं, अभी पता चला रूम पे है तो जाते हैं उससे मिलते हैं और फिर निकलते हैं हॉस्पिटल। दिखाता हूँ रेलवे हॉस्पिटल यहाँ का, खासकर पूर्णा वाला कैसा है। ये इतना गु आदमी है, साला मुझे बोल रहा है मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ मार्केट, और इधर आके क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। कमेंट करेंगे विष्णुपाल धोखेबाज है। और यहाँ पे देखो जितने भी लोग हैं, ये रेलवे ग्राउंड है और सब रेलवे वाले ही एम्प्लॉय हैं, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं भी खेलता लेकिन मेरे पास उतना एनर्जी है नहीं। तो फिर मैं अपना हॉस्पिटल जाना था तो हॉस्पिटल निकल गया, और ये है हमारा रेलवे हॉस्पिटल, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ एकदम मस्त मज़ेदार हॉस्पिटल है। हाँ मैं अभी मेरा मूड ख़राब है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले जाएंगे ट्रीटमेंट कराएंगे और देख लो थोड़ा सा व्यू। तो फाइनली ये वाला ऐसे पर्ची कटता है जिसमें मेरा नाम वाम हर चीज़ लिखा होता है डिटेल्स, और यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। हाँ तो मैं तो VIP हूँ नहीं, तो मुझे भी लाइन में बैठना पड़ेगा, तो मैं सर दर्द करते हुए ऐसे ही लाइन में बैठ गया और अब इंतज़ार करना है। हाँ सर भारी भारी हुआ, देखते हैं क्या हुआ है, वो जाने के बाद पता चलेगा। भाई साहब BP बढ़ गया है मेरा कम सोने की वजह से, तो अभी सब बोले हैं गोली खाओ यहीं पे और यहीं पे सो, फिर देखते हैं BP कैसे बढ़ गया इतना कम उम्र में। देखो मुंह में एक गोली लेके मैं यहाँ पे लेट गया, और शुरू शुरू में गोली ना मीठा लग रहा था, लेकिन फिर जैसे उसने अपना रंग दिखाना चालू किया मेरा मूड खराब हो गया, इतना गंदा टट्टी। और फिर उसके बाद ये पूरा अंदर का ये एरिया जिसमें अभी मैं लेटा वार्ड हुआ है था। हमारा हाँ मैं अच्छे उधर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय ने देखा बोलेंगे क्या कर रहे इधर हो यार मैं ये। बैठा हुआ हाँ था, इधर ही मैं लेटा हुआ हॉस्पिटल है, वाले मारेंगे और मुझे ये अभी। पूरा रेलवे हॉस्पिटल है अंदर का, हाँ काफ़ी इधर अच्छा पूरा ऐसे मेंटेन है किया हुआ है रेलवे पूर्णा में, हॉस्पिटल। और हर स्टेशन पर नहीं होता है, पूर्णा में है हमारा, फिर नांदेड़ में है। यहाँ पे ये अच्छा खासा हॉस्पिटल है, और ज़्यादा कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो हमको नांदेड़ में रेफ़र किया जाता है। और मेरा सब चीज़ हो चुका है, अब लास्ट सीख मेमो लेना है, तो ये काउंटर है यहाँ से हमको सीख मेमो मिलता है, तो और सब यहाँ पे मैं काम सीख मेमो लेने लोग आया। को तो ये सर हैं जो हमारे, ये नए नए आए हुए हैं, तो सीख मेमो हमको देंगे, साइन करेंगे, लेकिन उसमें इनको एक नहीं काम है नहीं मेरे से। देखो ना, तो मैं ये खेल अपना थोड़ी रूम ना का रहा हूँ, पूछ रहे थे कि साइन रूम करूँ। रेंट नए नए आए हुए हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा देर के लिए, ब्रोकर बन गया। इसी तुम में किराए हाँ को, तुम्हारा गांव यही है। नहीं, मैं भी तो वैसे रेंट पे ही रहता हूँ, कितना है रेंट, मेरा 4500 है। मतलब सिंगल बेडरूम, सिंगल बेडरूम है और एक किचन है, और दोनों का रूम का साइज इतना ही है, मतलब किचन भी एक ही साइज का है, एक और हाल एक किचन, नहीं एक किचन हाँ एक रूम बस इतना ही, और एक लेकिन दोनों एक किचन, ही साइज का है। फिर बाथरूम, बाथरूम सेपरेट है पूरा अलग। सब रेलवे क्वार्टर है ये अलग अलग डिपार्टमेंट का सब है। और रेलवे क्वार्टर में एक चीज़ अच्छा है, पेड़ पौधा बहुत है, तो ग्रीनरी है एकदम मस्त, ये भी सब क्वार्टर ही है। हाँ तो भाई साहब देखो मुझे मिल गया सिक 2 दिन का, और
डॉक्टर साहब मुझे देखे, बोले एज कितना है, मैं बोला सर 23, क्योंकि इस पे 23 दिख रहा है अभी भी, तो मैं बोला 23 दिखाता हूँ आपको। देखो एज इज 23 पे अभी भी 23 दिख रहा है, और ऐसा 23 5 मंथ 6 मंथ हुआ है मेरा। तो डॉक्टर साहब बोले और ज्वाइन कब क्यों, मैं बोला सर 2 साल हो गया यार, बहुत जल्दी लग गए, सब लोग शौक हो जाते हैं मुझे देख के, जलवा है तुम्हारे भाई का। और अंदर में गया मैं, बीपी ना पाने तो बीपी कुछ ज़्यादा ही हाई था मेरा, अब पता नहीं क्यों ठंड के वजह से बोले रेगुलर अच्छे से स्लीप नहीं हो पा रहा है और ठंड भी बढ़ गया ना इसके वजह से शायद। तो बोले कि यार इतना कम एज में इतना बीपी ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर 10 मिनट की एक दवाई लेके ऐसे ही लेटा मैं आराम से, हाँ अब नॉर्मल है, चक्कर जो आ रहा था वो शायद बीपी की वजह से ही आ रहा था, मुझे हल्का फुल्का सिर घूम रहा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो अब 2 दिन का सिक मिला हुआ, अभी जो मैं दिखाया जिस पे ईज दिखा रहा था वही सिक मेमो है। और ये आ गया भाई, तो ये मेरा सिक मेमो है, और 2 दिन का सिक मिला है, कल जाना है। और 2 दिन का सिक ऐसे नहीं कि मतलब सिक 2 दिन का ही हुआ, अगर जब तक सही नहीं होता है आदमी सिक में रह सकता है तो वो बात है। अब जा रहा हूँ इसको लॉबी में जमा करेंगे और सीधा जाएंगे सन्नी भाई के रूम पे, क्योंकि मेरा खाना वही बन रहा है, मेरे रूम पे कोई है नहीं, इसलिए वहाँ जाएंगे खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब बोले हैं भाई रेस्ट करो, तुमको रेस्ट का काफ़ी ज़रूरत है। देखते हैं 2 दिन बाद अपडेट मिल जाएगा तबीयत का, तब तक टॉपिक वीडियो तो ठीक है, चलो लॉबी में जमा करके मिलते हैं। कोई बात नहीं, लीजिए ना, बस आपको और 2 महीने करना है, उसके बाद भाभी आ जाएंगी तो आपका आराम हो जाएगा। मारेंगे सिर हो जाएगा, नहीं आराम नहीं हो जाएगा भाई, इनको बेचारा खुल भी नहीं करेगा। खाना खा के मैं रूम पे आया और बहुत थक गया था तो मैं सो गया। सॉरी 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 सॉरी।